हेलो, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लौकी की सब्जी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है लौकी का सब्जी। बिना लहसुन प्याज का बनाएंगे, पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा लौकी का सब्जी। एक लौकी ली है, मीडियम साइज का लौकी है, ज़्यादा मोटा लौकी नहीं लेंगे। लौकी को छील कर धोकर साफ़ कर लेंगे, फिर इसे बड़े बड़े टुकड़े में कट करेंगे, ज़्यादा छोटा टुकड़ा नहीं करेंगे। इस तरीके से ही सारे लौकी को कट करेंगे, थोड़े बड़े टुकड़े में इसे कट करेंगे। सारे लौकी को इसी तरीके से काट लेंगे। पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी बनता है लौकी का सब्जी, आप भी एक बार इसे ट्राई करें। मसाले के लिए 2 टमाटर, काजू और लाल मिर्च लिए हैं। हरी मिर्च लाल वाला है, तीखे के अनुसार से लेंगे। इसका पेस्ट बना लेंगे। पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर गर्म कर लेंगे। इसमें लौकी डालेंगे, लौकी को हल्का सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। इसे ढककर पका लेंगे। लौकी का हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा तेल डालकर इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं लौकी को। लौकी का कलर चेंज हो गया हल्का सा, इसे निकाल लेंगे। सॉफ्ट हो गया है लौकी। सारे लौकी को निकाल कर इसी पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर गर्म कर लेंगे। तड़के में जीरा, दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे, टमाटर, काजू और मिर्च का पेस्ट डालेंगे। मसाले को डालकर इसे भून लेंगे। बिना लहसुन प्याज का ही बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है लौकी का सब्जी। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर। मसाले को डालकर हल्दी पाउडर को भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट। फिर इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा सौंफ का पाउडर। आप सिर्फ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा का पाउडर। मसाले को डालकर इसे भून लेंगे, 1 से 1.5 मिनट और भूनेंगे मसाले को। मसाले को भून लिए हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ग्राइंडर जार में पानी डालकर इसे धोकर डालेंगे। पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। मसाला बहुत ही अच्छे से यह भून गया है, इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। तेल भी सेपरेट हो गया है, 1 मिनट और भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, इसमें 2 चम्मच मलाई डालेंगे। फ्रेश मलाई डालें इसमें दूध का, आप क्रीम भी डाल सकते हैं। मलाई डालकर इसे मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट और इसे भूनेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे। फ्राई किया हुआ लौकी डालेंगे। लौकी को फ्राई करके ही बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। लौकी को डालकर इसे 1 से 1.5 मिनट और भूनेंगे मसाले के साथ में। मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले में अच्छे से ये मिक्स हो गया है, 1 से 1.5 मिनट इसे भून लेंगे। लौकी को भून लिए हैं, इसमें पानी डालेंगे। आप चाहे तो गर्म पानी इसमें डाल लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगाकर 6 से 7 मिनट इसे पकाएंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। लौकी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। 7 मिनट हो गया है, लौकी को चेक कर लेंगे। लौकी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ज़्यादा बारीक इसे काटेंगे तो मैश हो जाएगा लौकी, इसलिए इसे बड़े बड़े टुकड़े में काट कर बनाएंगे। लास्ट में हरा धनिया बारीक बारीक काट कर डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे, कुछ सेकेंड और इसे पका लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। लौकी की सब्जी बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। थैंक यू, बाय।